अभी तो और इंतजार करिए, ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में, 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था, और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। सर, जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थे, लगता है वो सब जो है जनता, देखिए राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था, तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटी थी वो फेल वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। अब पार्टी कार्यालय और देखिए राज्यों का ईसीजी, चार राज्य और उनका ईसीजी क्या कहता है इस वक्त आपको दिखा देते हैं। तस्वीर किस तरह की दिखाई दे रही है और बहुत हद तक तस्वीर बहुत साफ होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये मध्य प्रदेश का ईसीजी, जिसमें बीजेपी का ईसीजी तेजी से मीटर ऊपर आगे बढ़ता हुआ, कांग्रेस पार्टी उससे पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है और बहुमत के आंकड़े तक पहुँच तो रही है लेकिन बीजेपी कहीं आगे पहुँच चुकी है। दोनों जगह साथ साथ चल रहा है ईसीजी ग्राफ दोनों पार्टियों का और यही तस्वीर भी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला इस वक्त दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में 43 पर बीजेपी और 46 पर कांग्रेस पार्टी और ये तस्वीर लगातार बदल रही है। और फिर देखिए राजस्थान का ईसीजी और इसमें भी साफ तौर पर बीजेपी का ग्राफ अलग होते हुए दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, 118 पर बीजेपी तो 68 पर कांग्रेस पार्टी आगे, लेकिन अन्य के खाते में भी 13 सीटें जा रही है अभी तक जो तस्वीर है।